स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर हैं भीम आर्मी के प्रभारी एडवोकेट सुजीत सम्राट। सुजीत जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। आप सुजीत जी बात करिए, 15 तारीख को भीम आर्मी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, तो क्या है उसका एजेंडा और क्यों करने जा रही है इतना बड़ा कार्यक्रम, उसके बारे में बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, 15 तारीख को मानव काशीराम साहब का जन्मदिन खत्म हो गई और 15 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वैसे तो 11 तारीख से आज से चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और उनकी टीम पूरे देश से लोग आए हुए। सहारनपुर से हमने आज एक रैली वहाँ से निकाला है, एक यात्रा निकाल रहे हैं वहाँ पे, जो 4 पड़ावों में रुके आज सहारनपुर से होकर आज देवबंद रुकेगी, देवबंद से मुजफ्फरनगर, मेरठ से गाजियाबाद और गाजियाबाद 14 तारीख को रात को रुकेगी और 14 तारीख की रात को रुकने के बाद 15 तारीख को सुबह यहाँ बहुजन होकर रैली के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और मानव काशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं, देश को ओंकार भरेंगे और पूरे देश के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, पूरे स्टेट के लोग आ रहे हैं और जो मानव काशीराम साहब को आदर मानते हैं, जो बहुजन समाज के नायक हैं मानव काशीराम, उनके जन्मदिन पर बड़ा प्रोग्राम। जो कार्यक्रम का आपने जगह चुनी है जंतर मंतर नहीं होती थी, जबकि जंतर मंतर तो अपनी आवाज़ या जिसके कार्य नहीं हो रहे हैं होते हैं, अधिकतर क्रांतिकारी लोग उस तरीके से वहाँ पे रखते थे, काशीराम साहब का जन्मदिन मनाने के लिए अपने जंतर मंतर कार्य नहीं। जंतर मंतर एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर आंदोलन होते हैं, मानव काशीराम साहब आंदोलन के व्यक्ति थे, आंदोलन से निकले थे, उन्होंने पूरे जीवन अपना आंदोलन किया है, तो उनके जन्मदिन पर भी हम भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर बहुजनों का जो माहौल बन रहा है पूरे देश के अंदर, एक सरकार जो जा रही है उसको थोड़ा सा बल देने के लिए हम यहाँ पर ही जंतर मंतर ही कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जी है लोगों को आना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर एक जगह ऐसी जगह रखी जहाँ पर अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी जगह है दिल्ली के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, ये बिल्कुल मेन दिल्ली के अंदर है, जिस दिल्ली के अंदर तो लोग यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। एक बात होती है, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे जगह जगह से कि भीम आर्मी इलेक्शन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव लड़ने की तैयारी को 15 तारीख में लॉन्चिंग में बदलने वाले हैं? ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट जो चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था मैंने कर लेकर उनको जो बोला है क्लियर कर रहे हैं कि हम बहुजन जो मूवमेंट उसके साथ हैं, जो गठबंधन उसके साथ में है, बट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कहा है कि जो मोदी हैं और जो स्मृति ईरानी उनके खिलाफ, अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं होगा तो अच्छे कैंडिडेट उतारो उनके खिलाफ, भीम आर्मी कोई आना नहीं, बट ये बीजेपी को हराना पूरा चीज़ है और हम गठबंधन के साथ में थे। और एक सवाल किया था अखिलेश जी से कि अखिलेश जी के जो फादर हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई हम प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो भोजनों की वोट का ले लें और फिर दोबारा प्रधानमंत्री ना उनको बना लें। तो मुझे उनसे भी एक क्वेश्चन किया था कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं भाई यहाँ पर भोजनों की वोट ले रहे हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी ले रहे या भोजन नेता बनाने के लिए? ये क्वेश्चन वाजिब होता है, भोजन लोग जा चुके हैं, नौजवान जा चुके हैं, तो क्वेश्चन अब करना बहुत जरूरी है। और जो आगे रणनीति रहेगी बीमारी की वो क्या रहेगी, और दूसरा इस कार्यक्रम के अंदर कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं, कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं? आह्वान किया है मानव काशीराम साहब का जन्मदिन और मानव काशीराम साहब को जन्मदिन को पूरे धूमधाम से बजाएंगे, मनाएंगे। बीमार की भारतीय कमीशन पूरे देश के अंदर बहुजनों की एक स्वतंत्र आवाज़ है, हमने पूरे देश में लोगों को आह्वान किया कि आप जंतर मंतर को आएँ 15 तारीख को, दिल्ली से लोग निकले अपने परिवार के साथ निकले और मानव काशीराम साहब के जन्मदिन को एक अच्छी तरह मनाएं और एक यादगार बनाए, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज आए कि जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि मानव काशीराम साहब ने अपने घर छोड़कर समाज के लिए काम किया, समाज को तैयार किया, बहुजन समाज बनाया, तो ऐसे व्यक्तियों को उनके जन्मदिन पर उनके जहाँ हमको उनके जन्मदिन पर एक अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि जो और लोग काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी जैसा उदाह आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, प्रभारी हैं जबकि वो कई अपने इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि भीम आर्मी ने पूरा किया है कि वो इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन लड़वाएगी और बसपा को भी कहीं ना कहीं उसकी अपोजिशन दे दी है, उसने कैंडिडेट को खड़ा किया, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी ने डिसाइड कर लिया है कि जो आपको लगता है कि नहीं, आपने ये स्टेटमेंट देखा है कि वाला लॉन्च हो चुका है और आपने स्टेटमेंट को देखा है, अगर स्टेटमेंट को देखा है तो भीम आर्मी के खिलाफ एक्शन करने लगी है अपने सत्यता के तुम्हें नहीं बता दी? नहीं नहीं ऐसा तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, उतना मैंने देखा है, तो आप लोग कह रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा तो मैं उसका कमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन गठबंधन के साथ 2019 के साथ है, हमने भारत एकता मिशन 2019 के अंदर कोई भी गठबंधन के खिलाफ नहीं था।